नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से डीप गला। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें शोल्डर देखने की, हमें जब डीप गला बनाते हैं तो हम यहाँ पे शोल्डर कितने लेने हैं, क्योंकि कंधे की जो प्रॉब्लम है वो शोल्डर से होती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने शोल्डर लिए वो 5.5 इंच लिए हैं। अगर आप चाहें तो 5 इंच भी ले सकते हैं अगर आपके कंधे गिरते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे अर्थ चेस्ट का बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपके कंधे गिर रहे हैं तो आप 5 इंच लें, क्योंकि किसी किसी के कंधे छोटे होते हैं तो गिरते हैं कंधे, तो आप 5 इंच ले लें। और मैं यहाँ पे अर्थ चेस्ट का बना रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बराबर रखेंगे और यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2 इंच लेंगे। अब गले की लंबाई, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 10 इंच का भी बना सकते हैं, 9 इंच का भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, 11 इंच का भी बना सकते हैं। और जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं लंबाई कितनी रखनी है, तो देखिए ब्लाउज की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। किसी को तो 15 इंच की लंबाई चाहिए तो उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है, तो जब हम कटिंग करेंगे तो 16 इंच की करेंगे। और किसी को 13 इंच की लंबाई पसंद है, तो लंबाई आप अपने हिसाब से लें। और हमें जो लंबाई बताई जाती है तो हम उसी के हिसाब से ब्लाउज को तैयार करते हैं, लेकिन कटिंग करते हैं तो उसमें हमें 1 इंच जो तुरपाई वाला होता है या अस्तल वाला होता है, तो उसमें हमें 1 या 1.5 इंच अलग से लेना है। अब देखिए, यहाँ गले की लंबाई रखेंगे वो 9 इंच की रखेंगे इस तरीके से। अब देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी 2 इंच ले सकते हैं। जैसे किसी को एकदम चौड़ाई कम चाहिए इस तरीके से, यू शेप में इस तरीके से। अगर आप चाहें तो जैसे डोरी वाला बना रहे हैं तो यहाँ पे 3 इंच की भी चौड़ाई ले सकते हैं, तो नीचे से चौड़ाई हो जाएगी, नीचे से चौड़ाई हो जाएगी और यहाँ पे आपके कंधे गिरेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से भी मैंने बनाए हैं गले इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कम चौड़ाई डीप गला बनाएंगे इस तरीके से। तो 2 इंच मैंने ऊपर की साइड लिया है, 2 इंच नीचे की साइड। और ये गला भी बहुत अच्छा लगता है, इसके कंधे नहीं गिरते हैं, इसमें हमें डोरी भी नहीं लगानी पड़ेगी। अब इसके बाद जो हमारा अस्तल है उसकी हम पट्टियाँ बनाएंगे, तो इसमें हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो जो हमारा कटिंग का कपड़ा बचा हुआ उसी में से हम पट्टियाँ बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम पट्टी की चौड़ाई लेंगे वो 1 इंच की लेंगे। अब देखिए, पट्टियों को हम कैसे जोड़ेंगे, इस तरीके से रखेंगे। देखिए इस तरीके से, अब देखिए पट्टी को हम गले के ऊपर रखेंगे, पट्टी को हम खींचेंगे नहीं, बस गले के ऊपर रखते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। और 1/2 इंच का ही कपड़ा हमें एकदम शेप में पट्टी को लगाना है, 1/2 इंच का ही कपड़ा दबाना है, कहीं कम ज़्यादा नहीं करना। अब पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, अंदर का कपड़ा हमारा दबना चाहिए। अब अंदर का कपड़ा जो ज़्यादा है उसको काट लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अंदर की साइड रखेंगे तो झोल आएगी, ये काटना ज़रूरी है। अब यहाँ पे भी अगर आपको चौड़ाई ज़्यादा लग रही है पट्टी की तो वो भी काट लें। अब पट्टी को हम इस तरीके से अंदर की साइड दबा के तुरपाई करेंगे। अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए नीचे की साइड हमारी इस तरीके से उंगली लगी हुई है, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, उंगली लगाना जरूरी है, झोल नहीं आनी चाहिए। अब देखिए पूरे गले पे हमने तुरपाई कर ली है। अब
देखिए हमारा गला बनके तैयार है। अब देखिए आगे के जो पल्लर है वो भी मैंने इस तरीके से गला तैयार करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शोल्डर को जोड़ देंगे। यहाँ से हमें जोड़ना है और एक साइड हम इसको अस्तल को ऐसे ही रखेंगे। पहले हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसको अंदर के साइड ऐसे दबा के तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप गले को तैयार करेंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि कभी कभी जो सिल्की ब्लाउज होते हैं वो इसी तरीके से गले को तैयार किया जाता है, पहले पीछे का फिर आगे का। और डिजाइन भी अगर आप बनाएंगे तो पीछे पहले बना लें फिर आगे का गला तैयार करें फिर उसमें जोड़ दें। आशा करते हो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।